यो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। जैसे कि आप सभी लोगों को याद होगा, लास्ट वाले एपिसोड में हमने बना था एक मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस, जो कि मॉडर्न हाउस के नाम से भी हम उसको बुलाते हैं आजकल, यानी ये बुलाना तो क्या, वो एक हाउस ही है। तो हमने बनाया था लास्ट वाले एपिसोड में एक मॉडर्न हाउस। तो आज हम जो बनाने वाले वो बहुत ही बढ़िया है, और मैं जंगल भी गया था और यहाँ से भी थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करे। देखो, हमारा जो मॉडर्न हाउस था उसको मैंने थोड़ा बहुत डेकोरेट किया है यहाँ पर, तो ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ से पूरा सारा देख सकते हो, जो कि बहुत ही तगड़ा लग रहा है हमारा मॉडर्न हाउस। और आज जो हम बनाने वाले हैं वो है वीट फार्म, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं हमने माइनक्राफ्ट स्टार्ट किए हुए, जो हमारा वर्ल्ड का नाम देख पा रहे हो आप, वर्ल्ड बहुत दूर है हमारा, और उसके दूरी पर हमने ये वाला मॉडर्न हाउस बनाया, और यहाँ यहीं पर हम सारे फार्म बनाने वाले, जो आयरन फार्म वगैरह जो हमारा फ्यूचर में जो आने वाला है, तो वो भी सारा हम इसी पर ही बनाएंगे, यही बेस पर बनाएंगे। तो यहाँ से अभी मैं एक सोच रहा हूँ इसके बाजू में ही बनाए, क्योंकि ठीक रहेगा। तो इसके बाजू से यहाँ से डर्ट हटाना स्टार्ट करते हैं, तो इसको डर्ट तो हटते रहेगी जब तक जो भी चैनल पर न्यू हो भाई, प्लीज़ यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चालू करते अपना काम। तो जैसा कि देख रहे होगे आप लोग, मॉडर्न हाउस को हमने बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न बना दिया है, जो कि ऑफलाइन जाकर किया था मैंने। और यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से सारी डर्ट हटानी है हमें, और मैंने जो जो भी हमें सामान लगने वाला है वो सारा पहले ही कलेक्ट कर लिया था। जैसे कि हम पिछले वाले एपिसोड से करते आ रहे कि सामान कम पड़ जा रहा है और हमारे कासल में जाकर लाना पड़ रहा है, तो मैं वो नहीं चाहता ये वाले वीडियो में। तो जल्दी से फटाफट से डर्ट को क्लीन करते हैं पहले से पहले, और यहाँ पर हमारा काम स्टार्ट कर देते हैं। तो इसको डर्ट को क्लीन करेंगे। तो फाइनली जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जो कि हमने सारा डर्ट को हटा दिया है, और यहाँ से हम प्लैंक्स लगाना चालू करते हैं। यहाँ पर गलत लग गया है प्लैंक, तो आज पता नहीं क्या हो रहा है, गिनते हैं प्लैंक्स कितने हो गए। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या करना है, कुल 30 ब्लॉक्स लगाने, 30 ब्लॉक्स लगा कर, और ये गिन रहा हूँ भाई, मैं गिन रहा हूँ, आप टेंशन मत लो, 30 ब्लॉक जैसे हो जाएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अभी और थोड़े बहुत बाकी है। हाँ, तो 30 ब्लॉक्स हो गए शायद से, और अभी नाइट भी हो रही है, तो पहले चलकर सो जाती है। तो नाइट में देख रहे हो हमारा कासल कितना चमक रहा है भाई, मॉडर्न हाउस, कासल नहीं, मॉडर्न हाउस कितना चमक रहा है। तो अभी चलते अंदर, जल्दी से सो जाते हैं। यहाँ पर मॉप्स वगैरह आजू बाजू का ख़तरा भी नहीं होता है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर है ना भाई, छत के ऊपर कौन मॉप स्पॉन होगा। तो अभी ये देखो बीच आइए, यहाँ पर एक इसको मारना ज़रूरी है, इसका स्केलेटन को ना मारे तो चलेगा भाई, मगर विच को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विच ने कुछ दिया हमें पोशन वगैरह, देखते जाकर स्टिक्स दी भाई, इसने पोशन नहीं दी। और यहाँ पर इससे दो बोन मिल गई हमें और एरो मिल गई कुछ, और यहाँ से इसको 10 ब्लॉक आगे लेना है, 3 4 5 6, गलत हो गया शायद से, कितने हुए आप लोग काउंटिंग कर रहे हो ना, तो इसको देखना पड़ेगा कितने हुए, काउंटिंग करता हूँ मैं। हाँ, 1 2, तो इसको काउंटिंग करने में थोड़ा हार्ड हो रहा है मुझे, तो देखते हैं कुछ करते हैं। अभी हमारा कीबोर्ड जाम हो गया है अभी, तो इसमें दिक्कत हो रही है मुझे,
क्योंकि हमारी स्क्रीन जो है ना वो थोड़ा लेट वर्क कर रही है अभी, और यहाँ से कुछ लगाने हमें यहाँ पर, हाँ ये 10 ब्लॉक्स, और इसको कुछ ऐसे लगाना है, 30 ब्लॉक्स लेना है आगे। जल्दी से इसको कंप्लीट कर ले, तो इसको 10 ब्लॉक्स पहले आगे ले लेते क्योंकि हम इसके आगे भी ना जाए। और प्लैंक्स ख़त्म हो चुके हैं, नहीं प्लैंक्स है हमारे पास भाई, प्लैंक्स का टेंशन ना लो आप लोग, प्लैंक्स बहुत लेकर आया हूँ मैं, ख़त्म नहीं होने वाले ये, तो इसको यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये हमारा कुछ अंदर वाला बेस हो चुका है, तो हमें यहाँ से डर्ट लगानी है, 5 ब्लॉक्स, 5 5 ब्लॉक्स, 4 4 ब्लॉक्स लगाएंगे हम, जो डर्ट लगानी है हमें कुछ इस तरीके से, 3 4 5, 5 ब्लॉक्स हो गए। इसी तरीके से हमें चारों ओर लगानी, तो 2 ब्लॉक्स छोड़कर लगाना है कुछ इस तरीके से। तो इसको फटाफट से लगा देते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसको फटाफट से लगा देते हम। और हाँ, हमें इसका एक लेयर का रास्ता भी रखना है बीच में, जो हम जो ब्लॉक्स आगे लेंगे ना, हाँ, कुछ इस तरीके से ब्लॉक्स आगे लेंगे, तो हमें बीच में एक ब्लॉक छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से रास्ता जो आएगा ना हमारे पूरे फार्म में जाने का, घूमने का, वो रास्ता ये रहेगा, और आजू बाजू जो दो दो ब्लॉक से हम छोड़ रहे हैं उसमें पूरा सारा वाटर आएगा। तो इसको जल्दी से फटाफट से फिल कर देता हूँ मैं, और आप लोगों को बताता हूँ फिल करने के बाद। तो इसको हाँ फिल कर लेते पहले, फिर आपको बताता हूँ। तो फाइनली गाइस, हमने जो हमारा वर्क था वो डन कर लिया, जो हमने अंदर का बनाना था वो बना लिया, और वो छोड़कर मैंने कुछ इस टाइप के पिलर्स भी खड़े कर दिए, तो ये रास्ता बन गया है कुछ हमारा। और यहाँ पर पानी भी डाल लिया मैंने, और यहाँ पर कुछ इसे हमें स्क्रैप करना है, तो इसको कर लेते फटाफट से। इसको लगाना ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ हमें 3 प्लैंक्स लगाना है इस तरीके से, क्योंकि वो वाला वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया इसलिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ आप लोगों को। तो इस तरीके से हमें लगाने, और यहाँ से प्लैंक्स लगाते जाना है, यहाँ से ऐसे प्लैंक्स लगाते जाना है। ये देखो 3 ब्लॉक्स हम भी ऊपर ले लें, 1 2 3, और नीचे से गिनोगे तो 4 ब्लॉक्स ऊपर लें, जो ब्लैक वाले ओक, ब्लैक ओक जो आते हैं ना भाई, उसके मैंने साइड में जो कॉर्नर देख रहे हो आप लोग, कॉर्नर पर चल के बताऊंगा मैं आप लोगों को, कॉर्नर्स में लगाए मैंने कुछ ब्लैक वाले, क्योंकि उसका लुक ठीक आ रहा था। तो थोड़ा ये जो कि सामने वाले जो देख पा रहे हो, मैं आपको चलकर ही बताता हूँ वहाँ पर, तो उसका लुक बहुत ही बढ़िया आ रहा था। प्लैंक्स हमारे पास ख़त्म ना हो जाए कहीं, क्योंकि प्लैंक्स हमें बीच में से निकालना भी है हमें, क्योंकि हमें ग्लास लगाने हैं ना, तो ग्लास लगाने के लिए हमें प्लैंक्स निकालना पड़ेगा। तो ये देखो कुछ इस टाइप से लगाया मैंने, 3 3 3 ब्लॉक्स, तो इसका टेंशन नहीं है, तो ये आ जाएंगे, इससे हमें बाद में लीफ से भी कवर करना। तो इसको मैं फटाफट से कंप्लीट कर लेता हूँ, ये वाला ऊपर तक फिल करना है, फिर ऊपर हमें स्लैब्स भी लगाना है, तो जल्दी से स्लैब्स लगा लेते, फिर मैं आपको अंदर का लुक बताता हूँ कि कैसा लुक आ रहा है, बहुत बढ़िया लुक आएगा। पर इसको कंप्लीट करते हैं, इसको फिल कर लेते, फिर ऊपर स्लैब्स लगा देते जल्दी से, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, ये वाला वर्क हमारा डन होने ही वाला था, तो मैंने आधी छत तो कंप्लीट कर दिया, और अभी मेरे पास एक चीज़ की कमी पड़ गई। आप लोग गेस करो कौन सी चीज़ की कमी पड़ गई हमारे पास। तो हमारे पास कमी पड़ गई है स्टोन की, क्योंकि हमने स्टोन के स्लैब्स लगाए थे ऊपर, तो अभी हमारे पास स्टोन की कमी पड़ गई है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास सारा पहाड़ है यहाँ पर, और हमारे पिकैक्स पे सिल्क टच लगी हुई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो इसको तोड़ सकते हैं हम आसानी से, सारा पहाड़ भी हम ख़त्म कर सकते हैं यहाँ से। तो इसका शेडर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये शेडर सारे शेडर से तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है शेडर कमेंट में बताना, शेडर पर भी वीडियो बना देखना चाहते हो तो वो भी बताना कमेंट में। ये देखो यहाँ से सारा तोड़ कर कलेक्ट कर लेते हैं हम पहले, फिर उसके बाद देखेंगे हम हमें क्या लगता है। तो अभी इसको तोड़ लेता हूँ मैं फटाफट से, और जाकर स्लैब भी डाल देते फटाफट से, पहले काम करेंगे हम, क्योंकि माइनक्राफ्ट है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है।
तो फाइनली गाइस हमारा जो वर्क है वो डन हो चुका है। अभी ऊपर का जो हमने स्लैब्स लगाने का जो हमारा काम था वो कंप्लीट कर लिया है हमने। और यहाँ से ग्लासेस लगानी है हमें, तो ग्लासेस इसके ऊपर ही प्लेस करेंगे हम। और ये देखो ग्लासेस लगा रहे हैं ऊपर। ये ग्लासेस का टेक्सचर थोड़ा अलग सा नहीं लग रहा आप लोगों को, इसको चेंज करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो हमारा ग्राफिक्स जो हमारा शेडर है ना वो कभी कभी थोड़ा सा उसको चक्कर से आने लगते हैं यार, क्या बताओ तुम लोगों को, तो उसे चक्कर से आने लगते हैं तो शेडर चेंज कर देता है, देख रहे हो ना। तो यहाँ से हमें तोड़ना है, हाँ यहाँ से लगा देते हैं ग्लासेस को। सामने की साइड में लगाएंगे हम, क्योंकि पीछे से कुछ उतना उसका यूज़ नहीं है ना, तो पीछे से कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सामने से ही लगा लेते हैं ये जो ग्लासेस है ना, तो सामने से ही लगाते हैं हम, तो अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा लुक ठीक आएगा। तो इसको सामने की साइड से लगा देते हैं। यहाँ से तीन दो ब्लॉक्स में लगाएं क्या, इसको यहीं पर लगाना पड़ेगा, इसको बंद करते पहले, नहीं यहाँ पर डर्ट लगा देते पहले, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है ना। अच्छा अब समझ आया, क्योंकि हमने जो डोर है ना हमारा वो एक ब्लॉक एक ही डोर लिया है, तो दो डोर लेना था हमें, तो इसको मैं बाद में एक्सटेंड कर लूँगा, उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसको यहाँ से इसको तोड़ना पड़ेगा हमें। तो फाइनली गाइस हमें जो इसे फाइनल लुक जो देना था वो इसे इस टाइप से हमें कुछ फेंस लगाने, क्योंकि हम अंदर की साइड ना जा सके, तो इसको फेंस को लगाना है इसलिए कि हम अंदर की साइड जाएंगे तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारे साथ हमारे डॉग्स वगैरह कैट्स वगैरह आएंगे अंदर तो कुछ दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलेजर्स भी ला कर रखेंगे, और विलेजर्स भी ला सकते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि फार्म है ना भाई, विलेजर्स को फार्मर बना देंगे। और यहाँ से इसको पहले लगा लेते हैं, तो ये अब वर्क ऐसा हो चुका है, क्योंकि इसके पीछे हम जाकर लगा सकते हैं। देखो इसको यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक साइड से हम जा सके ना। तो हम क्या करेंगे, इस पर जाएंगे फिर हम आजू बाजू वाले पर जाएंगे। ये देखो इसे मुझे चारों ओर लगाना है सब तरफ, तो इसको पहले लगा लेते हैं यहाँ पर, और ये वाले साइड में भी एक लगा देते हैं, हाँ ये ठीक रहेगा। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का लग रहा है ये डिज़ाइन, और इधर एक नई लगाना, हाँ इधर लग भी नहीं सकता भाई, क्योंकि यहाँ पर रास्ता ही ब्लॉक है, तो कोई नहीं इसको यहाँ से लगा देते, और ये पीछे वाले का उतना कोई टेंशन की बात नहीं। तो अभी चलते हम पीछे और कुछ कैरेट वगैरह लगा देते हो यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर कैरेट लगा दिए हमने, तो एक ये इसको भी हो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं हो अपना घर पर रख कर आ चुका है हमारे मॉडर्न हाउस में, तो यहाँ पर लगा लेते जल्दी से, जितने हो सकते उतने लगा लेते कैरेट वगैरह। और यहाँ पर सारे कैरेट ही, एक जो ब्लॉक होगा ना वो कैरेट का होगा, एक पोटैटो का होगा, एक क्या कहते हैं उसे वीट का होगा, एक शुगर केन का होगा। तो पहले हमारे प्लेयर को भुक्कड़ को भूख लग रही है, इसको पहले पेट भरा देते फिर कैरेट लगाते हैं। आप यहाँ पर कैरेट की तो ज़रूरत नहीं, कैरेट हमने दो ब्लॉक्स में लगा दिए, तो पहले यहाँ पर पोटैटोस लगाते, पोटैटोस भी यहाँ पर खेती बहुत बढ़िया तरीके से होगी यार, यहाँ पर फार्मिंग बहुत बढ़िया तरीके से। तो फटाफट से यहाँ पर भी लगा लेते हैं पोटैटोस सारे, आलू पोटैटो आलू क्या बोलते हैं इसे, सारे लगा लेते हैं यहाँ पर। और इसको पोटैटो ख़त्म हो गए क्या, नहीं हमारे पास बहुत, हाँ ये वाले हैं अभी 53 है भाई, कितने चाहिए तुमको बोलो सिर्फ,
53 पोटैटोस है, इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। और अभी इधर की साइड में क्या लगाया हम, बीटरूट सीड्स थे शायद से मेरे पास, हाँ बीटरूट सीड है हमारे पास, तो यहाँ पर बीटरूट लगा लेते हैं। बीटरूट, हाँ बीटरूट भी लग जाएंगे यहाँ पर आराम से, तो यहाँ पर इसको लगा लेते हैं। हाँ बीटरूट लग चुके इधर, और 10 ही बचे सिर्फ हमारे पास। तो एक हमारा जो सामने का जो एक ब्लॉक था वो बच चुका है, तो अभी पीछे हम ये लगाएंगे, कोका बीन्स तो नहीं लगेंगे, तो इसे सीड्स लगा लेते हम, जो वीट के सीड्स है इसको लगा देते हम यहाँ पर, वीट तो आएगी ना कम से कम। और यहाँ पर भी हम हमारा एनिमल फार्म बनाएंगे, जो हमारे विलेज में हमारे कासल में था ना यार, वो बहुत बीच में आ गया था हमारे मेन गेट के, तो मुझे वो तोड़ना पड़ा, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सस्ता वाला बना लेते एनिमल फार्म जो हमने वन ब्लॉक में बनाया था। वन ब्लॉक में तो हमने सारे क्या कहते हैं उसे ब्लॉक वगैरह जोड़कर बनाया था, अभी हम सिर्फ फेंस का बनाने वाले, तो सीड्स की कमी जहाँ पड़ेगी वहाँ लगा दूंगा मैं। तो यहाँ से, ओ भाई ये क्या हो रहा है, तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि इसको तोड़ दिया जाए, क्योंकि उतना कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, तो देखते तोड़कर इसको ठीक लगता है क्या। तोड़ने के बाद तो ठीक नहीं लगेगा यार, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसको हम तोड़ देंगे तो ये ठीक नहीं लगेगा, ऐसे ही लुक बढ़िया आ रहा है यार, देख रहे हो ना कैसा लग रहा है ये। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, इसको एक एक ही तोड़ते, एक एक ब्लॉक ही तोड़ते फेंस का, एक एक पार्ट ही तोड़ते, क्योंकि आने जाने के लिए सिर्फ हमें रास्ता चाहिए, जो कि यहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो इसको एक एक ही ब्लॉक तोड़ेंगे, इसको एक एक ही ब्लॉक तोड़ेंगे यहाँ से। और अभी यहाँ पर लगा देना पड़ेगा वापस से हमें एक ब्लॉक छोड़कर इस तरीके से कुछ, और यहाँ पर भी लगा लेते एक ब्लॉक छोड़कर। हाँ ये वाला हो चुका है कंप्लीट, और टॉर्चेस लगा देते इसके ऊपर जितने हो सकते हैं टॉर्चेस। और यार यहाँ पर टॉर्चेस लगाने के बाद देख सकते हो आप लोग कितना खतरनाक वाला लुक आ रहा है, बहुत ही ओपी वाला लुक आ रहा है हमारे फार्म में, देख सकते हो। इसके स्क्रीनशॉट सेव कर देता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा नज़ारा बार बार देखने के लिए नहीं मिलता भाई। तो अभी चलते हैं हम, नाइट भी हो गई तो अभी सोना भी है यार, नाइट में क्या करेंगे हम घूम के, तो जल्दी से सो जाते हैं बेड पर। और सुबह उठकर हमें एक बहुत ही बढ़िया काम करना है, जो कि हमें इसको सारा गार्डन टाइप बनाने, जो हमारा फार्म हो वो फार्म ढंग से दिख सके। तो इसलिए सारी लीव्स तोड़ने के लिए पहले शेयर्स बना लेते हैं, एक ही बस होगी। और ये देखो ज़ॉम्बी आ रहा है नीचे, तो भाई ज़ॉम्बी तो गया, हमने जैसे बो निकाली बाहर ज़ॉम्बी चला गया, तो देख रहे हो ऐसी दहशत होनी चाहिए, समझ रहे हो ना, दहशत ऐसी होनी चाहिए। हाँ तो इसको क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, लीव्स लेने हमें और कुछ नहीं तो ये वाले तो नहीं लेंगे हम, जो हाँ ब्लैक ओक लिंक्स लीव्स होते हैं ना भाई, ये हाँ ये वाले लेंगे, तो इससे डेकोरेशन में थोड़ा ठीक दिखेगा, थोड़ा मज़ा आएगा डेकोरेशन करने में। तो इसको लेते हैं यहाँ से, ये क्यों आ रहे हैं फालतू में, तो इसको ले लेते हैं जल्दी से, जितने कलेक्ट हो सकते उतने लेना है मुझे, क्योंकि ये थोड़े हटके है यार, ये थोड़े ठीक दिखेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो इन्वेंट्री फुल हो चुकी है हमारी, तो ये देखो जितने हो सकते उतने ले चुका हूँ मैं यहाँ पर, और थोड़े बहुत और मिलेंगे तो और ले लूँगा थोड़े बहुत यहाँ से। हाँ तो इन्वेंट्री अभी रोटन फ्लैश फेंक देते हम यहाँ पर, और ये लीव्स लेते क्योंकि तो ये भी हमें बाद में काम आएंगे, इसको काट लेते, इसको कट कर देते पहले यहाँ से, ये सारे कलेक्ट हो चुके हैं। और थोड़ा जंप होकर यहाँ से सारे कलेक्ट कर लेते, यहाँ पर जितने भी होंगे ना भाई सारे कलेक्ट कर लेंगे सारे,
ये ऊपर से नहीं टूट रहा, इसको नीचे से तोड़ना पड़ेगा। हाँ तो जितने भी मिल सकते हैं हमें सारे ले लेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में काम आ सकते। इसको कलेक्ट कर लेते हैं पहले। यहाँ पर लीव्स हो चुके हैं, और हाँ यहाँ पर भी है। तो लक देखो भाई, लक से कहते हैं लक। तो यहाँ पर ये भी कलेक्ट कर लिया हमने, और रोटन फ्लैश की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो देखते भी कितने लग सकते हैं हमें यहाँ पर, और उसके बाद ये टूटेगा क्या? ये तो नहीं टूटेगा, ये तो फालतू तो होता है शायद से भाई। मुझे तो अभी तक इसका यूज़ ही पता नहीं चला था, इसका यूज़ क्या होता है ये ट्रिका, और ये कैसे कट होता है। तो आप लोगों को पता हो तो बताना कमेंट में। और अभी चलते हैं हम यहाँ पर, जो कि ऊपर की साइड से हम वर्क स्टार्ट करते हैं। हमारा ऊपर सारी बाउंड्री लेना है हमें, और तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इसे, जल्दी जल्दी से लगा लेते हैं इसे, सारी बाउंड्री लेते हैं। फिर हमें इसको नीचे से भी कवर करना है, तो सारी बाउंड्री ले लेते हैं पहले, फिर नीचे की बाउंड्री कवर करते हैं। तो फाइनली गाइस हमने जो सारी बाउंड्री है वो कवर कर ली, और नीचे की साइड की भी अभी हम ले लेंगे ग्लासेस के सामने। और यहाँ से कुछ इस तरीके से कवर करना है हमें इसे, तो ऊपर की साइड में भी लगाना है हमें लीव्स कुछ इस तरीके से, जो कि बहुत बढ़िया लुक आ रहा है इसे, ऑफिशियली लुक आ रहा है। तो इसको भी जल्दी से कवर करना है हमें। तो देखो मैं आपको बता दूँ इसे कैसे लगाना है। तो इसको पहले तोड़ देते हैं यहाँ से। ये स्टेयर्स बनाई थी मैंने ऊपर जाने के लिए, जब हम स्लैब्स डाल रहे थे ना तब लगाई थी मैंने। तो इसको स्टेयर्स तो टूट गए अभी, तो इसके नीचे से भी हमें पहले यहाँ का कर लेते हैं। ग्लासेस को लगाना है हमें कुछ इस टाइप से, ग्लासेस के साइड में कुछ इस टाइप से लगाना है हमें। और इसको यहाँ से भी जो ब्लैक वाली ओक देख रहे हो ना, इसको भी कवर करना है हमें। तो लीव्स ख़त्म हो गए क्या? नहीं, लीव्स हाँ ख़त्म हो चुकी है हमारे पास। तो यहाँ से इसे पहले कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से तोड़कर, देखते हैं कितनी हो पाती है लीव्स। ये लीव्स मिल चुकी है हमें, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगी, थोड़ी ही होगी। तो जल्दी से जाते हैं लीव्स भी कलेक्ट करते, और देखते हैं कितनी लीव्स कलेक्ट हो पाती है हमारे पास। तो फालतू का सामान भी, और ये शेयर्स टूट गई है हमारी, लीव्स जितनी कलेक्ट हुई उतनी ही सही। तो अभी ले लेते हैं लीव्स, 37 ही हुई। तो हमारे पास सिल्क टच वाली पिकैक्स है यार, तो हम इससे भी तोड़ सकते हैं, इसकी एक्सपी ज़्यादा ना जाए सिर्फ। और इससे देखते जितने हो सकते उतने तोड़ेंगे अभी। और एप्पल, एप्पल नहीं मिला तो ये फेंक देते पहले। ग्रास, ग्रास का कुछ काम नहीं है हमें, और यहाँ से इसको जल्दी से कवर करने के लिए चलते। इसको कुछ इस टाइप से लगाना है हमें, हाँ इस टाइप से लगाना है हमें कुछ, और साइड से भी एक लगा देंगे जो कि अच्छा दिखेगा, थोड़ा लुक ठीक आएगा इसका। और बीच में एक ये वाला ब्लॉक छूट रहा है यार, इसको भी लगा दे क्या? इसको भी कवर कर लेते जो कि ठीक दिखेगा। हाँ ये वाला लुक ठीक आ रहा है, तो इसको एक तोड़ देते, क्योंकि जो ब्लैक वाली ओक है ना सिर्फ हमें वही छुपानी है। नहीं यार ये ब्लैक वाली ओक आ रही है, और ये लुक अच्छा रहा है। तो ये कहाँ गिर गए थे हम? तो इसको कवर कर लेते पहले, क्योंकि एक बार गिर गए तो बार बार नहीं गिरना है हमें। इसको फुल्ली कवर कर देते हम, जो कि हम बाद में इसको डीप भी करेंगे ना, हम इसको थोड़ा खोदेंगे, इसको डीप भी करेंगे ना हम, तो हम पानी में ना गिरे। तो इसको पहले जल्दी से कवर कर लेते सारा, कवर हो रहा है ये, और फाइनली ये कवर हो गया। तो इसका लुक देख सकते हो आप लोग, कुछ इस टाइप का आ रहा है। और इसको सारा कवर कर लेते जल्दी से, अभी सारे सब में ऐसे ही लगाने में, जहाँ पर होती है ना, जहाँ पर ग्लास वगैरह होती है ना, तो हमें उसको इस टाइप से कुछ डेकोरेट करना है ग्लास वगैरह को। हाँ तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते ये वाले पार्ट को, फिर उसके बाद का आगे वाला नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे हम कि नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है। तो इसको जल्दी से लगा लो इस टाइप से, और बीच में हाँ इस टाइप से लगा देते कुछ, जो कि इससे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसको इस टाइप, इस ये वाली साइड भी वैसे ही करनी है हमें। तो इसको फिर फटाफट से जल्दी कंप्लीट।
तो यार ये जो हार्ड वर्क है ये करते करते लीव्स कम पड़ गई थी हमारे पास, ये जो मॉडर्न हाउस का जो नहीं मॉडर्न फार्म का जो काम है हमारा वो थोड़ा सा हार्ड होने हो गया है, तो लीव्स कम पड़ गई तो मैं लीव्स लाने गया था, तो इसको फटाफट से कंप्लीट करना है हमें, और यहाँ से इसको भी फिल कर लेते, हाँ इसको भी फिल कर लेते हम, और इसको ऊपर से लगा देते कुछ इस टाइप से, ये कंप्लीट हो गया है, तो इसे ऊपर से भी लगा ले सोच रहा हूँ मैं, जो कि अच्छा लुक आएगा, तो ये फाइनल लुक हमारा ये आ रहा है, ऐसा कुछ टाइप से आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमें शेयर से लगा कर देखते ऊपर एक, तो इससे ठीक नहीं लग रहा है यार, इससे गंदा वाला लुक आ रहा है, तो इसको जल्दी से फटाफट से लगा दिया है हमने, और देख सकते हो आप लोग किसका लुक किस टाइप का आ रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है मुझे, फिर भी ऊपर एक एक लगा दे तो ऊपर जो ऊपर की जो लेयर होती है ना उसको भी कंप्लीट कर ले तो ठीक होगा, तो इसको यहाँ से लगा देते, इसको भी फिल कर देते, हाँ ये तो फिल है हो गया है अभी, और ये देखो कुछ इस टाइप का लुक, और ये कहाँ कहाँ गिर रहा हूँ यार मैं, तो इस टाइप का कुछ लुक आ रहा है हमारे मॉडर्न फार्म का, तो अभी ऊपर चढ़ने के लिए हम स्टेयर्स बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर से हम ऊपर एक और लेयर लेंगे और उसके बाद जो नीचे की लेयर है ना उसको भी थोड़ा बाहर की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो इसको स्टेयर्स बना लेंगे हम लीव्स की, जो कि नेक्स्ट टाइम हमें काम में भी आ सकती है, तो इसको भी हाँ कुछ इस टाइप से लगाना है हमें, लास्ट वाला गलत लग गया है, तो इसको हाँ इस टाइप से लगाना है इसको भी, इस टाइप से कुछ यहाँ पर, और मैंने एक हमारे कासल में बनाया था अंदर की साइड में एक फार्म बनाया था जो कि फेल हो गया, वो उतना इतना मॉडर्न नहीं बना था वो, जो कि ये मॉडर्न वाला फार्म बन चुका है, क्योंकि वो सादा सिंपल बना था, और उसमें एक दिक्कत आ गई थी कि वो सिर्फ फेंस से ही घिरा हुआ था, तो हम वो अंदर वाला भी फार्म रखते हैं और ये भी फार्म रहने देते, क्योंकि अंदर वाला जो फार्म होगा ना तो थोड़ा बहुत हमें हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पर जल्दी मिल सकता है हमें फूड और लीव्स वगैरह कुछ भी एक डिसाइड कर लो आप लोग, तो इस वाले का लुक जो है इस टाइप से आ रहा है कुछ, और इसको यहाँ से लीव्स लगाना है, तो देखो यहाँ से खतरनाक वाला लुक आएगा, तो यहाँ से भी इसको लगा देते, हाँ तो ये यहाँ से लग गया ये, और यहाँ से भी लग गया, ये क्या हो रहा है भाई, हॉर्स का सारा मुंह दिख रहा था भाई अंदर से, और फाइनल एंड फाइनल नीचे का कलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि नीचे गन पाउडर है, और देख सकते हो आप लोग कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है हमारे वर्ल्ड का, और यहाँ से इसको डोर भी फिट करना है हमें, तो डोर लेकर आते हैं फटाफट से, ऊपर चेस्ट में रखा होगा हमारा डोर, तो चलते ऊपर और देखते हैं डोर है या चेस्ट में, फिर हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर, हाँ डोर तो है यार मेरे मेरे पास ही है डोर, और मैं चेस्ट में ढूंढ रहा हूँ यार, देखो क्या ही है यार, तो चलते हैं जल्दी से डोर लगा लेते हैं फटाफट से हमारे फार्म को, क्योंकि क्रीपर व्रीपर चला गया ना भाई अंदर तो दिक्कत हो सकती है, तो डोर यहाँ पर लगा देते, हाँ तो ये फार्म का हमारे जो फाइनल लुक है, ये फार्म का फाइनल लुक आ रहा है हमारे, तो इसको भी जल्दी से बंद कर देते फार्म को, बाहर निकलते, और देखो यहाँ से कितना ठीक लग रहा है यार, तो गेट को बंद कर दो, बाहर आ जाओ अभी, और मैं आपको दूर से चलकर बताता हूँ कि हमारे जो हाउस प्लस फार्म का जो लुक आ रहा है वो कैसा आ रहा है, तो ये देखो कुछ इस टाइप का लुक आ रहा है हमारे हाउस प्लस फार्म का, तो यही था आज वाला वीडियो, अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।